क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, जेईई और नीट हो, सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि भाई पुराने एनसीईआरटी को रेफर करें या नए एनसीईआरटी को। भाई जवाब मुझे लगता है बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स होना चाहिए नया एनसीईआरटी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई पुराने एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसको फेंकने की भी जरूरत नहीं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। कैसे? लेट मी टेल यू वेरी सिंपली यार, सबको पता है कि सिलेबस क्या है, नीट का हो जेईई का हो, सिलेबस 2025 का तो आ ही चुका है, 26 का कुछ दिनों में आ भी जाएगा। तो आपको कुछ और नहीं करना है बेटा, आपको बस वो सिलेबस रेफर करना है और सिलेबस से रिलेटेड चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी है, चाहे वो नया एनसीईआरटी हो या पुराना एनसीईआरटी हो, फर्क नहीं पड़ता है, है ना? तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। और अगर आपको सिलेबस में कंफ्यूजन है 2025 के लिए, तो ये रहा भाई आपके सिलेबस का लिंक, यहां पर आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, पीस।